बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जो वसंत पंचमी के ऊपर है। वसंत पंचमी हिंदू त्यौहारों में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त करता है। यह एक त्यौहार मात्र नहीं है, पर यह एक ऋतु है, एक नया शुरुआत है, जीवन के नए रस भरने का यह समय है। जैसे अमेरिका में स्प्रिंग होती है कि जिससे सब नई नई चीज़ें बनने लगती है और हवा में परिवर्तन आता है, वैसे ही ये जो वसंत पंचमी है, जब से वसंत ऋतु चालू होती है। चाइनीज न्यू ईयर भी इसी के आसपास बनता है, न्यू मून से, तो उनका भी नया साल है ये, और हिंदुओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। सो यह शनिवार को 5 फरवरी 2022 को यह सुबह 4 बजे वसंत पंचमी की शुरुआत है। शनिवार के दिन पूर्ण दिन वसंत पंचमी है, सो पूर्ण दिन आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। यह नई शुरुआत का समय है, सो जो कोई भी नया शुरुआत करना चाहते, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते, बहुत नीरस सा जीवन है, उसको अगर आप कुछ लाइव करना चाहते, कुछ जागृत करना चाहते, कुछ नया करना चाहते, तो यह दिन है। अब ये जो दिन है, या तो जिसे हम कहते हैं वसंत ऋतु है, जिसके पर भगवान श्री कृष्ण का आधिपत्य है, सो वो भी एक बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण, क्योंकि उनको हम हर बार प्रेम का प्रतीक मानते, उनके लिए भी यह एक बहुत अच्छा अवसर होता है, और जो उन्होंने लीला की है, रासलीला करते थे, उसका यह वक्त होता है। और इस दिन आपको पूजा करनी चाहिए कामदेव की और रति की, माता रति की, जिनको प्यार चाहिए। अब किसको प्यार नहीं चाहिए, तो प्रेम संपादन करने के लिए जो प्रेमी है, जो लव अफेयर में है, उनके लिए बहुत अच्छा दिन है कि आप जो भी प्रार्थना करेंगे आपके प्रेमी के प्रति, तो ये सफल होगी। तो प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, कामदेव और रति की पूजा करनी चाहिए। जो लोग विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। यह दिन को पीले कलर से बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए पीली सरसों है। आप देखिए, सरसों का यह पाक आने का समय होता है, सो पूरा धरती जैसे हरी के बदले पीली दिखने लगती है। सूर्यमुखी के फूल, सरसों के मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं उसका, सो पीले कपड़े जरूर पहने, पीली मिठाई जरूर खाएं, पीली चीज़ों से आपको अपने आप को सजाना है, जैसे सोना भी होता है। इसके लिए समय दिया है सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक दोपहर। तो यह दोनों समय बहुत ही उचित समय है। इसके लिए कोई भी अशुभ मुहूर्त या वो देखने की जरूरत नहीं है। जो भी इस समय पे पूजा पाठ करेगा, माता सरस्वती का आह्वान करेगा, कामदेव या रति की पूजा करेगा, उनके लिए श्रेष्ठ समय है। 6 बजे से लेकर 9 बजे सुबह, और 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय। श्रेष्ठ मंत्र है ओम ऐम नमः, या ओम ऐम सरस्वती नमः। ये दोनों मंत्र की आप पूजा कर सकते हैं, या बीज मंत्र सरस्वती के हैं। इससे जिनको याद शक्ति बढ़ानी है, याददाश्त बढ़ानी है, बहुत सही समय। या जो बच्चे अभी छोटे हैं, जो बोलना नहीं सीखे हैं, या जिनको विद्या प्राप्ति धीरे धीरे हो रही है, उन माताओं को, उन बच्चों की माताओं को इस दिन बच्चे की जीवा पे, जो टंग होती है जीवा पे, सहज से ए लिखना चाहिए। चाहे आप इंग्लिश में ए लिखे या हिंदी में अ, क्योंकि एम नमः उसका आपको इस दिन करना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अभ्यास कराना चाहते, या जिन बच्चे थोड़े स्लो लर्नर है, धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे, उनके लिए बहुत उचित समय। वो खुद भी अगर कर सकते तो खुद ही ये सरस्वती की उपासना करें, ओम ऐम नमः ओम ऐम नमः। या उनके माँ बाप अगर ये बोलना नहीं सीखे, या बहुत छोटे और आपको लगता है कि इनकी अच्छी विद्या प्राप्ति हो, तो आप बच्चों के जबान पे ए बनाइए, बहुत ही अच्छा समय, सहज से बनाइए, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, और 10:30 से 12:30 के बीच में। यह समय है, कल का जो दिन है, जो 5 फरवरी का दिन है, शनिवार का पूर्ण दिवस है, ये ज्ञान के लिए सबसे बेस्ट है।
ज्ञान प्राप्ति, विद्या, कुछ भी पढ़ाई कीजिए, विद्या प्राप्त कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, मेमोरी को बढ़ाइए। मेमोरी को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा दिन है। वृद्धि चाहते, अगर आप कोई चीज़ों में वृद्धि चाहते तो बहुत अच्छा है। नया कुछ अभ्यास करना चाहते, विदेश अभ्यास करने जाना चाहते, तो जो विदेश अभ्यास करने के लिए जो एग्ज़ाम होती है GRE, TOEFL, ये सब, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है तो बहुत अच्छा है। किसी भी नए कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बहुत अच्छा समय है। आपको आपके शरीर में, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ानी है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, हमारे सबके खून में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का ये बहुत उचित दिन है। नया व्यापार करना है, किसी के साथ नई संधि करनी है, घर की शुरुआत करनी है, अगर आपको वास्तु करना है, गृह प्रवेश करना है तो बहुत अच्छा दिन है। गाड़ी लेनी है, बहुत अच्छा दिन है। कोई भी व्हीकल लेना है, सोना चांदी लेना है, कोई भी पशु खरीदना है जैसे गाय और जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनको लेना है तो बहुत अच्छा दिन है। कोई नया आभूषण बनाना है, बहुत अच्छा दिन है। कुछ नहीं तो अपने लिए एक वस्त्र का जरूर खरीदिए, एक पीला वस्त्र जरूर लीजिए और कल ही कल पहनिए। म्यूजिक सिस्टम, संगीत, अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा दिन है। संगीत सीखना है तो बहुत अच्छा दिन है। तो यह दिन आपको मिला है, वसंत पंचमी का आपको जो दिन मिला है वो इसी के लिए मिला है कि ज्ञान प्राप्ति करें। जैसे मैंने कहा कि माता सरस्वती की उपासना जरूर करें, पूरे दिन भर मानसिक जाप करते रहिए, चलते फिरते भी आप कर सकते ओम ऐं नमः और ओम ऐं सरस्वते नमः। ये दो में से कोई भी एक मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। पीले कपड़े पहनिए, पूर्व दिशा की ओर मुंह रखिए और सुबह जो 6 से 9 का समय है वो सूर्योदय का भी समय है, तो उस समय पे जितनी हो सके उतनी माला करिए, पूजा पाठ करें और कल हो सके तो विद्या के अनुरूप दान जरूर करें। चाहे किसी को किताब खरीद के दे, कलम खरीद के दे, बॉल पेन या विद्या अभ्यास से जुड़ी हुई अगर कोई भी चीज़ अगर आप कल दान करते तो भी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। किसी के नाम पे करेंगे तो भी आपको ज्ञान प्राप्ति काफ़ी अच्छी होगी। तो कल इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा अवसर आपको मिला है, या वसंत पंचमी का दिन जो हमारे लिए एक नई ऋतु ले आता है, शरीर में एक नया जोश भरता है और कल से एक अच्छे साल की शुरुआत अगर आपको करनी है, जैसे चाइनीज लोग करते हैं उनका नया साल इसी के आसपास होता है, तो वैसे आपके लिए भी एक बहुत अच्छा समय है। पूर्ण दिन, शनिवार का दिन सुबह 4 बजे से लेके पूर्ण दिन रविवार सुबह तक आपको यह समय मिला है, तो कल के पूरे दिन में आपको जो कुछ भी करना है जैसे मैंने आपको बताया तो आप करिए। सो इसी उम्मीद के साथ ये आशा रखता हूँ कि कल का जो वसंत पंचमी का दिन है आपके लिए श्रेष्ठ जाए और आप इसमें अच्छे से अच्छे सुख प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए यहाँ दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं और मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com में भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचाइए और उनके जीवन में भी कैसे अच्छा परिवर्तन आता है वो देखिए, इससे भी आपको अच्छा लाभ होगा और ज्ञान प्राप्ति होगी। इसी उम्मीद के साथ आशा रखता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।